गाइस क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और अपना जो सूट है गाइस वो चेंज करके ये पहनने दो, इसको ड्रॉप करने दो, इसको ड्रॉप करने दो, और गाइस थोड़े से आर्टिफैक्ट लेके आने दो क्योंकि मुझे एक और फाइनल कोलोसस बॉस जो है गाइस वो बनाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कोलोसस बॉस जिसको मैंने अभी तक बनाया नहीं है। सो मैं फटाफट से जाके उसको बनाने के लिए हम लोग को दो आर्टिफैक्ट चाहिए। मेरे हिसाब से अभी तक एक आर्टिफैक्ट जो है गाइस वो आ चुका होगा। सो मैं जाता हूँ उस आर्टिफैक्ट को जो ना गाइस फटाक से यहाँ पे, हाँ ये रहा गाइस हमारा आर्टिफैक्ट, इसको हम लोग फटाक से यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, ओके, एक और आर्टिफैक्ट चाहिए, उसके बाद हम लोग जो फाइनल हमारा कोलोसस बॉस है उसको भी बना पाएंगे। ठीक है, अभी गाइस हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सिलेस्टियल वाले डायनो जो है गाइस वो अवेलेबल है, और उसमें से जो पावरफुल डायनो होगा उसी को गाइस हम लोग यहाँ पे इवॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सिलेस्टियल में चलते हैं। गीगा वीगा तो भाई असेंडेड सिलेस्टियल करप्टेड गीगा मेरे इन्वेंटरी में क्या कर रहे हैं इसको तो यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ ग्लिच हो गया है ना, ये आगे आगे चल चल के जा रहा है ना, अभी ग्लिच ठीक हो गया क्या? रुको, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँ, उसके बाद देखते हैं कि कौन से सिलेस्टियल डायनो को हम लोग इवॉल्व करने वाले यहाँ पे। अगर वो सिलेस्टियल डायनो थोड़ा नल्ला निकला ना तो आज के एपिसोड में दो सिलेस्टियल डायनो को टोटल इवॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसको यहाँ पे बाहर निकालता हूँ पहले, तो अभी एक जगह पे भाई खड़ा हो रहा है, वरना बार बार चल चल के आपने देखा होगा पिछले एपिसोड्स में ये जो ना गाइस अभी ब्रिज पे आके अपना स्पेशल अटैक कर रहा था, पता नहीं क्यों थोड़ा सा पागल हो गया था अपना गीगा। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे सिलेस्टियल वाले कौन कौन से डायनो जो है गाइस जो मेरे पास है। गैस बग को तो मन नहीं कर रहा, थेरी का तो अटैक आई थिंक से ग्लिची है। ओए थाइलोकोलियो गाइस अपनी जान, थाइलोकोलियो को मैंने अभी तक इवॉल्व नहीं करा है सच में, आर यू कॉमेडी में भाई, सिलेस्टियल थाइलोकोलियो भाई रेडवुड किंग, सच में मैंने इसको अभी तक इवॉल्व नहीं करा है क्या? रुको थाइलोकोलियो क्यों, थाइलोकोलियो अपने पास है, मैंने अभी तक अपने सिलेस्टियल थाइलोकोलियो को इवॉल्व करने का काम नहीं करा है, मजाक हो रहा है क्या भाई? ये देख रहे हो कैसे अपना सिलेस्टियल थाइलो, इसको मैंने अभी तक इवॉल्व नहीं करा। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज के इस एपिसोड में हम लोग हमारे थाइलोकोलियो को इवॉल्व करने का काम करेंगे। वो इसका स्पेशल अटैक जो है ना गाइस वो शायद से ग्लिच है। ठीक है, जितना मुझे पता है गाइस शायद से ग्लिच है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, उनको दिखा देता हूँ। अबे ये नहीं, फायर अटैक तो सबका ही ग्लिच है सिलेस्टियल में, ग्लिच है ना भाई, कोई मरा तो नहीं, हाँ भाई इसका अटैक ग्लिच है यार। चलो आज दो सिलेस्टियल डायनो को इवॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि अगर हम लोग को कोई भाई ग्लिच वाला डायनो मिला सिलेस्टियल वाला तो आज हम दो को इवॉल्व करेंगे। सो पहले मैं थाइलोकोलियो को कर लेता हूँ, इसका डैमेज वगैरह दिखाऊंगा यार मैं आपको। ठीक है, अपना फेवरेट डायनो था भाई एक टाइम पे सिलेस्टियल, हाँ नहीं है अभी तक, बट इस सीरीज में थोड़ा सा ग्लिच के रीजन से ये हमारा थाइलोकोलियो अभी फेवरेट नहीं रहा,
क्योंकि इसका स्पेशल अटैक जो है गाइस वही वर्क नहीं कर रहा। चलो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये सोल, इसका सैडल मैंने निकाल दिया है। अभी गाइस मैं फटाफट से इसको इवॉल्व करने वाला हूँ इन 1 2 3। ओ भाई बोले तो फुल टू दबाई, असेंडेड सेलेस्टियल थाइलो कोलियो जो है गाइस वो हमारे पास आ चुका है। ओ इसको मुझे पहले क्रायो करना पड़ेगा ना। मैं इसके अंदर मैं इम्प्रिंटिंग पोशन जो है गाइस वो डाल के देख लेता हूँ अपने थाइलो कोलियो का क्या सीन है। ठीक है, इम्प्रिंटिंग पोशन गया गायब। अरे लगाया था मेरे को, लगाया था भाई ये थाइलो कोलियो गायब होगा। रुको इसको रिकवर कर लेता हूँ मैं। मुझे एक भी जो है गाइस ऐसा डायनो अभी तक मिला नहीं है सेलेस्टियल में जो इम्प्रिंट हुआ हो अभी तक और गायब ना हुआ हो। ठीक है, इवॉल्व वाले डायनो की बात कर रहा हूँ मैं जो इम्प्रिंट होने के बाद भाई गायब ना हुआ। देखते हैं फ्यूचर में शायद से मिल जाए हम लोग को। ये रहा गाइस हमारा असेंडेड सेलेस्टियल थाइलो कोलियो, इसके ऊपर गाइस मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे सैडल अपना प्यारा प्यारा सा। बारिश आ रही है क्या? अबे यार बारिश को भी अभी आना था क्या? ठीक है गाइस बारिश आ रही है, बारिश आ रही के बाद हम लोग हमारे थाइलो कोलियो को जो है गाइस मैक्स लेवल का करेंगे और इसके अटैक्स और इसकी पावर मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इसका स्पेशल अटैक जो है इवॉल्व करने के बाद चालू वर्क करना अगर चालू हो गया ना तो मजा आ जाएगा। फिर जो अभी ग्लिच अटैक है वो वापस से ठीक हो गया ना तो फिर भाई थाइलो कोलियो से तबाही मचा डालेंगे हम। रुको गाइस अभी बारिश जाने दो, बारिश जाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका ग्लिच वाला अटैक वापस से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। A few moments later. चलो भाई लोग फिर बारिश यहाँ पे अभी जा चुकी है और थाइलो कोलियो का जो गाइस जलवायु वो देखने का टाइम आ चुका है। बाकी दूसरे सेलेस्टियल डायनो की तरह इसका कलर भी गाइस व्हाइट ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। सारे के सारे सेलेस्टियल और डिमोनिक डायनो जो इवॉल्व होने के बाद है ना वो सेम ही दिखते हैं। ठीक है चलो आ जाओ अभी देखते हैं गाइस। अभी तो शायद से इसका अटैक वर्क कर रहा होगा ना, अभी वर्क कर रहा होगा बट लेवल अप करने के बाद ये देखो अभी इसका फायर अटैक भी काफी तगड़ा वाला डैमेज दे रहा है बट लेवल अप करने के बाद यार इसकी बैंड बच जाती है भाई। पर 20-20 मिलियन का डैमेज दे रहा है गाइस, देख रहे हो 20-20 मिलियन का डैमेज बट लेवल अप करने के बाद गाइस टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। चलो मैं इसको भाई फटाफट से मैक्स लेवल कर लेता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़े और डायनोस को मारना पड़ेगा। मेरी अभी तक मैक्स लेवल हुई नहीं है तो यहाँ पे थोड़े डायनोस की बैंड बजा देता हूँ भाई। इजीली मार पा रहा है भाई, इसका फायर अटैक भी काफी तगड़ा है भाई। इजिली 24 मिलियन का डैमेज दे रहा है अपने स्पेशल अटैक से। याद रखना गाइस कितना डैमेज दे रहा था क्योंकि लेवल अप करने के बाद ना शायद से इसका ये अटैक जो है गाइस वो पहले की तरह डिसेबल हो सकता है। 26 बिलियन। ठीक है 100 बिलियन गाइस हेल्थ कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं क्योंकि इसके 100 बिलियन हेल्थ बचे हुए जितने भी दूसरे पॉइंट से गए तो सारे के सारे में इसके मिली डैमेज में डाल। ठीक है दबा के मिली डैमेज में गए जिसके पॉइंट जाने वाले जितने भी बचे हुए वो सारे के सारे पॉइंट इसके आराम से मिली डैमेज में डाल देंगे। ठीक है गाइस लेट्स गो, अभी गाइस यहाँ पे फुल टू तबाही मचाएंगे हम। ठीक है तो रेडियो गाइस हमारे थाइलो कोलियो का जो जलवा है गाइस वो जलवा देखने के लिए अपना थाइलो कोलियो क्या क्या कर सकता है गाइस वो देखने के लिए आप रेडियो चला जाए देखते हैं। हम इसको पावर अप भी कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको मैं इसका अटैक भी दिखा देता हूँ। इसके पास बाइट अटैक है, सी पे उसे फायर छोड़ने वाला सेकंड अटैक है और थर्ड आखिरी अटैक जो है गाइस वो सेलेस्टियल बम वाला है। ठीक है जो शायद से ग्लिच हो चुका है वापस से। चलो मैंने इसको पावर अप तो कर दिया है, बाइट अटैक का डैमेज गाइस सारे डायनोस की तरफ माइनस में जा रहा है हमारे थाइलो कोलियो का। इसका फायर अटैक जो है वो ग्लिच हो सकता है शायद से। रुको यहाँ पे जो रुको आगे भाई एक पैरेट दिख रहा है मुझे, इसको इसके ऊपर बांध बेटा। फायर अटैक जो है गाइस वो ग्लिच है मेरा। अभी गाइस मेन यहाँ पे जो इसका स्पेशल अटैक है एक्स वाला उसको हम चेक करने वाले। अबे यार इसका जो स्पेशल अटैक है वो भी गाइस यहाँ पे ग्लिची है। ये क्या बदतमीजी है भाई। ऐसा गेम में चीटिंग होएगा तो मैं नहीं खेलेगा रे बाबा। गाइस इसका स्पेशल अटैक जो है गाइस वो भी ग्लिची है यार, दिमाग घुमा दिया भाई मेरा। आप सुई भाई मैं इसका काश ये वाला अटैक जो है ना गाइस वर्क करता, देख रहे हो गाइस ग्लिची है। मुझे लगा ही था क्योंकि पहले से गाइस इसका अटैक ये वाला ग्लिच था बट मुझे थोड़ी सी उम्मीद भी थी वॉल करने के बाद मे भी इसका अटैक वर्क करने लग जाए बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलो कोई सीन नहीं है, इसके पास बस अभी एक ही अटैक बचा हुआ है जो है बाइट वाला अटैक। वो भी क्यों दे दे यार, वो भी भाई यहाँ पे गायब कर देते उसका अटैक। चलो आ जाओ देखते बाइट वाले अटैक का भाई का डैमेज कितना जा रहा है। अभी सामने की तरफ एक स्पाइन है, पावर अप मोड़ते हुए मैं 50 बिलियन इसकी हेल्थ है।
10 बिलियन 100 बिलियन का डैमेज जो है गाइस हमारे थाइलो को, लेकिन बाइट अटैक का जा रहा है, बाइट वाला अटैक जो है गाइस थाइलो का, वो उतना भी बुरा नहीं जा रहा है, उतना भी बुरा नहीं जा रहा भाई। 100 बिलियन का डैमेज दे रहा है गाइस अपना थाइलो को, लेकिन क्या करे इसका स्पेशल अटैक वर्क नहीं कर रहा है। चलो कोई ना, अभी गाइस मैं एक काम करता हूँ, इसको लेके सीधा घर पे चलता हूँ। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था, अगर कोई ग्लिच वाला डायनो इवॉल्व करते हैं तो हम लोग एक और सिलेस्टियल डायनो को इवॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सिलेस्टियल डायनो है, मैं इसकी पावर डाउन करके इसको यहीं पे रख देता हूँ। अभी सेकेंड सिलेस्टियल डायनो कौन सा होने वाला है हमारा, सेकेंड सिलेस्टियल डायनो, एक काम करता हूँ सिलेस्टियल गैस बग को जो है ना गाइस हम लोग यहाँ पे इवॉल्व कर लेते हैं, बड़ी सी हमारी सिलेस्टियल गैस बग, ठीक है। इसका सैडल निकाल लेते हैं, इसके भी अटैक्स ग्लिच थे क्या, ये देखना। बड़ी सी जो है ना गाइस यहाँ पे हमारी गैस बैग है, एक्चुअली में गैस बैग जो है गाइस उसको अभी तुम्हारा भाई यहाँ पे इवॉल्व करने वाला है। इसके अटैक आपको बताइए होगा, ये हवा को कन्वर्ट कर देते हैं सिलेस्टियल एनर्जी बॉल्स में, देखते हैं इवॉल्व करने के बाद ये कितनी ज़्यादा खतरनाक गाइस यहाँ पे बनती है। इसके अंदर गाइस मैं डाल रहा हूँ अभी यहाँ पे सिलेस्टियल इवोल्यूशन सोल, फ्रिज में से निकाल के ये चले गए इसके अंदर सोल, एंड अभी इसको हम लोग फटाफट से गाइस यहाँ पे इवॉल्व करने वाले इन 1 2 3 लेट्स गो बॉयज। ये हमारी सिलेस्टियल गैस बग जो है गाइस वो हो चुके हैं यहाँ पे इवॉल्व। मैं इसको भाई एक बार क्रायो कर लूँ, ठीक है, असेंडेड सिलेस्टियल गैस बग। अभी हम लोग फटाफट से इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे इम्प्रिंटिंग पोशन। अरे यार इम्प्रिंटिंग पोशन बनाने के लिए मेरे पास मेटल ही नहीं है, एक एक इम्प्रिंटिंग पोशन बनाने लायक मेरे पास मेटल पड़ा हुआ था घर पे। वाह भाई वाह, गायब क्या भाई, ये गायब नहीं हुई गाइस, ये सिलेस्टियल गैस बैग जो है गाइस वो इम्प्रिंट होगी, सिलेस्टियल वाली फर्स्ट एसी डायनो होगी जो गाइस यहाँ पे इम्प्रिंट होगी और गायब नहीं हुई भाई, खतरनाक मुझे लग रहा है गाइस ये सबकी बाढ़ बजाएगी, ये सबकी बाढ़ बजाएगी गाइस। इसका लुक और थाइलो कोले का लुक जो है गाइस वो सिमिलर ही है, बस इसकी हाइट जो है गाइस वो हमारे थाइलो कोले से कुछ ज़्यादा ही भाई यहाँ पे बड़ी मुझे दिखाई दे रही है। मैं जा रहा हूँ उड़ उड़ के, ठीक है मैं उड़ उड़ के जा रहा हूँ। चलो ना भाई बम का गोला पे, बम के गोले का डैमेज तो दे रही है भाई तगड़ा वाला, ये तगड़ा डैमेज तो दे रही है। और कौन सा अटैक है इसके पास, अच्छा ये वाला अटैक है इसके पास भाई, सारे पेड़ पौधे हर एक चीज उड़ा डाली इसने भाई, रस्ते में जो चीज आई वो सब साफ कर दी, देखा भाई आजू बाजू के पेड़ पौधे सारे के सारे पेड़ तोड़ दिए इसने अपने एक अटैक में। इसके अटैक्स काफी खतरनाक लग रहे हैं मुझे, मुझे लग रहा है गाइस सारे रिकॉर्ड जो है ना गाइस डैमेज के वो तोड़ने वाली है, ठीक है चलो आ जाओ देखते हैं। बस जब मैं इसको भाई इवॉल्व करूंगा ना तो इसके अटैक ग्लिच ना हो जाए, बाकी और कोई सीन नहीं है। एक और लेवल अप चाहिए बस खाली इसको, एक और लेवल अप, इस एक डायनो को मारूंगा तो लेवल अप मिल जाएगी भाई। एक ये मर नहीं रहा मेरे से, फक कुछ तो रॉक नहीं मर रहा एक मेरे से भाई, क्या बदतमीजी है, मर ही नहीं रहा था, मुझे स्पेशल अटैक यूज करना पड़ा, ठीक है। 200 बिलियन है, 20 बिलियन हेल्थ कितनी हो गई है, हेल्थ 20 बिलियन हो चुकी है ना इसकी, मैं 100 बिलियन हेल्थ कर देता हूँ ज्यादा नहीं। और 77 जो है ना गाइस पॉइंट हम लोग इसके मिली डैमेज में डालते हैं और देखते हैं गाइस हमारी गैस बग जो है गाइस वो यहाँ पे क्या क्या कर पाती है और अपना क्या क्या जलवा जो है गाइस वो दिखा पाती है, ठीक है। मिली डैमेज में दबा के पॉइंट गाइस हम लोग हमारे गाइस असेंडेड सेलेस्टियल गैस बग के यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है लेट्स गो। चलो आ जाओ अभी मजा आएगा ना, इसको मैं पावर अप भी कर रहा हूँ साथ में, ओके। तो इसका बाइट अटैक जो है वो माइनस में डैमेज दे रहा है, ठीक है चलो अच्छी बात है। इसके अटैक कौन से इसके पास है वो मैं आपको दिखा दूँ। इसके पास बाइट अटैक है, लिप क्लिक पे अपने अंदर इस तरीके से हवा जो है वो भर लेती है और सी पे इस हवा को रिलीज करके तबाही मचाते, और मुझे लग रहा है इसका अटैक ग्लिच है क्योंकि इस बार एक भी पेड़ नहीं उड़ा। अरे यार सच में बाइट अटैक का माइनस में डैमेज, सच में भाई ये हवा खींची मैंने मारा हुआ। चीटिंग करता यार गेम वाले, चीटिंग करता भाई। ओके इसका ये वाला अटैक वर्क कर रहा है, उड़ के गाइस सी वाला अटैक जो है ना इसके पास दो अटैक है, एक जमीन पे इसे बैठ के ना सी वाला अटैक देती है, एक और अटैक है हवा को हमारे अंदर खींचनी है, उसके बाद जो है ना गाइस इसे हवा में उड़ जाना है, उसके बाद जो हम लोग बम फेंकेंगे उस बम का एक अलग सा एक अटैक होता है, इस अटैक का डैमेज जो है गाइस वो माइनस में पड़ रहा है, ठीक है।
जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। चलो एटलीस्ट इसके पास एक अटैक जो है गाइस वो तो वर्किंग है, एक का एक अटैक जो है गाइस वो डिसेबल हो चुका है, और इसके बाद जो दूसरा अटैक है गाइस वो वर्क कर रहा है। बस इस अटैक का जो है ना गाइस कुछ एम नहीं होता है कि हम लोग भाई यहाँ पे मारना चाहते तो यहाँ पे एम करके फेंके तो वहीं पे गिरेगा, नहीं भाई ठीक है थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता है ये अटैक। रुको मैं इसको एक्यूरेटली उस ब्रोंटो के ऊपर मारने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। अबे भाई मेरे ब्रोंटो के ऊपर मारा है अटैक को, वो अटैक ऊपर वाले ब्रोंटो के ऊपर भाई जाके गिरा है, बताओ सही है यार, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो जब हम लोग टेक ऑफ करते तभी भाई ब्लास्ट हो रहा है यहाँ पे, ये देखना इस ब्रोंटो के ऊपर अटैक डालना है, मैंने एम करा है भाई ठीक है। वो देख रहे हो अटैक कहाँ पे गिरा, मारना इधर था गिरा उधर भाई, ठीक है भाई ये कर लो पहले। आ जाओ चलो हमारे गाइस इस गैस बैग की जो है ना गाइस यहाँ पे डैमेज वगैरह ओरिजिन के ऊपर कितना जा रहा है वो अभी हम लोग चेकआउट करते हैं पहाड़ी के ऊपर जाके। आज दो डायनोज गाइस हम लोग ने इवॉल्व करे और दोनों के दोनों डायनोज जो है ना गाइस भाई थोड़े से नल्ले निकले, मतलब इनका जो अटैक है ना गाइस वो यहाँ पे डिसेबल निकला। इसका एक अटैक वर्क तो कर रहा है बट कुछ भाई यहाँ पे उस अटैक का एम ही नहीं है, इसको फॉल डैमेज ओ नहीं सिलेस्टल डायनोज को इनसे फॉल डैमेज नहीं पड़ता है, ठीक है मुझे इस पहाड़ी के ऊपर जाना है उड़ उड़ के, ठीक है इसको मार ब्रोंटो को। आप ब्रोंटो के ऊपर अटैक डालने देख रहे हो गाइस, छी भाई आप भाई ये अटैक बहुत ज़्यादा घटिया है, इसको भी डिसेबल ही है भाई अटैक ऐसे समझ लो क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, जिसको मारना है उसके ऊपर तो गिर ही नहीं रहा अटैक। चलो आ जाओ मैंने ओरिजिन को बुला लिया, 49 बिलियन इसकी हेल्थ है, मेरा बाइट वाला अटैक पावर अप के साथ 1.5 बिलियन डैमेज दे रहा है, बिलियन सॉरी मतलब मेरा 15 बिलियन का जो है गाइस यहाँ पे 15 बिलियन का टोटल डैमेज जो है वो हमारे स्पाइनों के ऊपर पड़ रहा है 15 बिलियन का। वाह बेचे वाह मौज कर दी, क्या ही बोले 15 बिलियन का डैमेज पड़ रहा है, ठीक है तो यार इसके ऊपर अटैक डालना है स्पेशल वाला गया था ये वाला अटैक तो इसका डिसेबल है। रुको उड़ के अटैक डालता हूँ गाइस, एक्यूरेसी देखना एक्यूरेसी देखो वो वहाँ पे स्पाइन एक्यूरेसी देखना गाइस स्पाइन उधर है ऊपर से अरे भाई ये अटैक भी डिसेबल ही है, मेरे को खेलना ही नहीं है गेम भाई, क्या बदतमीजी हो रही है भाई ये। रुको वन सेकेंड फुल चार्ज करके एक्यूरेसी आ जाएगी फुल चार्ज करके, ठीक है उड़ा मैं उड़ा, टर्न ले ये रहा स्पाइनो इधर डाल अटैक। अरे चपट भाई ओ कैसा गैस बग है, अबे नहीं भाई इसके सारे अटैक डिसेबल है बाइट वाले अटैक को छोड़ के, रेन दो भाई नहीं भाई इसका अटैक यूज नहीं करने मेरे को, मैं सामने की तरफ मार रहा हूँ तो भाई टेढ़ा अटैक जा रहा है, मैं टेढ़ा मार रहा हूँ तो सामने की तरफ इधर उधर पता नहीं भाई अपनी मर्जी से इधर उधर गाइस कहीं पे भी गिर रहा है वो अटैक, बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है यहाँ पे, मर जा भाई स्पाइनो के बच्चे निकल, लाड़ मार रहा है मार से जो टकराएगा बेटा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है गाइस स्पाइनो के बजा डाले हम लोग ने बैंड, अभी गाइस हम लोग यहाँ से उड़ जाते हैं, ठीक है हमारी जो गैस बग है उसके सारे के सारे अटैक डिसेबल है, जो अटैक गाइस यहाँ पे वर्क कर रहा है वो किसी काम का है ही नहीं, और जो अटैक गाइस यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है उसका डैमेज भाई जो मतलब अटैक यहाँ पे वर्क करना चाहिए उसका डैमेज जो है गाइस एकदम जीरो ही है, क्या ही बोले भाई गैस बग भी थोड़ी सी नली निकली यहाँ पे। हाँ बस इसके मदद से हम लोग ऐसे उड़ उड़ के इधर उधर जा सकते हैं, ये जो अपने अंदर हवा भर लेती है ना गाइस उसकी मदद से हम लोग उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का काम जो है गाइस वो कर सकते हैं बड़े आराम से, आप देख ही पा रहे होंगे। चलो आप इसको ठीक है आराम से, चलो अब इसको लेके चलते हैं गाइस हमारे घर पे, ठीक है इसको गाइस हम लोग हमारे घर पे लेके चलते हैं, ये गैस बग भी थोड़ी सी गाइस यहाँ पे नली निकली। अभी एक काम करेंगे अगले एपिसोड में कोई सिलेस्टल डायनो वगैरह जो होगा ना उसको इवॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है अगले एपिसोड में हम लोग ना कोई खतरनाक सा क्योस या स्पिरिट वाला बॉस टेम करेंगे, ओके और बॉस फाइट भी जो है गाइस वो हमारी पेंडिंग है थोड़ी सी, अभी डायरेक्टली एंड गेम वाली ही बॉस फाइट है, ठीक है और एंड गेम वाला जो बॉस है ना उसके सामने मुझे नहीं लग रहा कोई भी मेरा डायनो जो है वो टिक पाएगा, बट ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है ट्राई करेंगे। रुक जाओ मुझे गाइस वो जूता चेंज कर रहे थे क्योंकि मेरी स्पीड जो है गाइस वॉकिंग स्पीड वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। चलो आ जाओ अभी गाइस आज जो दो डायनो मैंने इवॉल्व करे वो दो डायनो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, आपको असेंडेड सिलेस्टियल गैस बग और असेंडेड सिलेस्टियल थाइलोकोलियो इन दोनों में से कौन सा डायनो सबसे ज़्यादा पसंद आया बताना, इन दोनों के जो है ना बाइट वाले अटैक ही वर्क कर रहे हैं बाकी दूसरे अटैक जो है कोई भी वर्क नहीं कर रहे, डिसेबल है इसका एक कर रहा है वर्क लेकिन वो किसी काम का नहीं है, ठीक है सो आपको ये दोनों जो डायनोज हमारे प्यारे प्यारे से आज हमने इवॉल्व करे
इनमें से कौन सा डायनो सबसे ज्यादा पसंद है जरूर नीचे कमेंट करके बताना। मेरा तो फेवरेट है भाई थाइलो कोलियो, मेरे जिगर का टुकड़ा। बाकी आप बताना आपको गैसबग और थाइलो कोलियो में से कौन पसंद आया। बाकी आज का एपिसोड हो जाता है गाइस यहीं पे खत्म। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क प्रामल्फिया 100x के। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk